जनपद के हरपुर बुधट थाना क्षेत्र के देवरिया सोपरा में गुरुवार को हुए किराना व्यापारी की हत्या पर परिजनों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर मृतक का शव गांव में रखकर दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सजनवा सुरेश राय, एसडीएम खजनी अनुज मलिक, खजनी के विधायक संत प्रसाद मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, जिस पर पीड़ित परिजनों ने संबंधित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांगें पूरी करने की मांग की। परिजनों ने कहा कि मृतक की पुत्री की शादी तय थी, कोरोना की वजह से शादी की तारीख आगे बढ़ा दिया गया था, अब शादी की व्यवस्था कौन करेगा। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए मामले को शांत कराया, उसके बाद परिजन शवदाह संस्कार करने को तैयार हुए। सारे लोग आकर के तो कहेंगे फूंक दीजिए, जला दीजिए, जो कैसे जला जाए, उसके परिवार का दायित्व ले पूरी सरकार। आखिर में हम लोग जो है किसके पास जाएंगे, कल से किसके पास कौन दौड़ेगा। आज तो लोग यहाँ पर गए, सबका संवेदना है, सबके दिल पे भी है, लोग आए हुए हैं, कल से कहाँ लोग आएंगे, जो है किसके पास खोजेंगे लोग जाकर। सब बड़ा जाएगा और जैसे आप लोग अरे अभी एडीएम साहब आ गए हैं, आ गए सर, आ गए कोई आवश्यकता नहीं भैया, जितना गंभीरता से आप ले रहे हैं हम लोग भी उसी गंभीरता से ले रहे हैं। ठीक है, हम आपकी बात शासन तक आगे वहीं पे हैं, मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र की ये घटना है, कौन देखेगा, आप देखेंगे लगे हैं और नहीं, ये काम नहीं ठीक है, आप लोगों का ये कत्ते नहीं ठीक है, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जान लीजिए आपको अंतिम वार्निंग है हमारी, क्या तमाशा बना रखे हैं फिर, अगर इसके बाद उन्हीं को देखना है ना, तमाशा बना रखे हैं आप लोग फिर करके, रात में भी हम आए तो फिर ये करके और ये करके आप तमाशा बना रखे हैं। पिछले साल यहाँ हत्या हुई थी समुदाय में, तब भी यही हाल है और फिर ये कर रहे फिर करके। अभी हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कारण से आप लोग दुकान बना रखे हैं, इसको कहते हैं कोई गिरफ्तार हुआ इसमें, सीईओ तो दुकानें बना दिया, गिरफ्तार हाँ अभी तक एक ही गिरफ्तार, कौन गिरफ्तार हुआ, महिला नहीं नहीं इसमें ले जा रहे थे तो तभी वो ऐसे काम नहीं चलेगा, चौकी पर बैठा गया था, बहुत तेजी से काम करिए और इस सीईओ से हमको कोई उम्मीद नहीं है फिर करके, वो तो किराना दुकान बना रहा है, फिर तमाशा बना रखा है, फिर ऐसे काम चलेगा, दुकान चला रहा है, घटना हो जाएगी ऐसे चलेगा, दुकान है क्या नाम है, सीओ बचाने में लगे हुए हैं लोग, किराना की दुकान बना दिया खजनी सर्किल को, इतना भ्रष्ट सीओ आजादी के बाद नहीं आया, उसको देख क्या थोड़ा सा कम इतना देखिए, इतना परिवार देखिए बर्बाद हो गया, तमाम लोग दो हॉस्पिटल में हैं, नहीं देखिए इसको जस्टिस लीजिए ना, फिर हम और उपाय करना फिर इसे काम चलेगा नहीं, इनको कब ये कह रहे हैं कि कुछ आर्थिक सहायता, हम कह भी आज तो तत्काल में कुछ नहीं मिलने वाला है, एक तो समाज कल्याण विभाग से 30,000 रुपये का वो फॉर्म भरवा रहे हैं, कब आएगा और अब आज भिजवाएंगे तो कल तक, वो तो पारिवारिक लाभ योजना में आएगा, योजना में 30,000 रुपये और क्या बनवा रहे हैं, विवेकाधीन कोर्स का है, हाँ सबसे अब विवेकाधीन कोर्स के लिए इनसे एप्लीकेशन अभी दस्तखत करवा लेंगे, हो गया करवा करके तो इसको आप लिख देंगे एडीएम साहब, आज ही भिजवा दिया जाएगा दुर्घटना किसान वाला जो है इसमें आएगा, आज ही इधर आएगा ना, लेकिन हम लोग आज ही भेजवा देंगे, तत्काल नहीं तजला साहब जी जो फोन करेंगे भेजा जाएगा, उसकी कॉपी आपको दिलवा देना तो पैरवी कर दे देंगे, डीएम साहब कहें कि हमको भिजवा दीजिए तत्काल, सुना है ना आएंगे ना,
थोड़ा गर्म पानी उन्होंने उनको पिलवाई, उन्हें फिर पता चला तो उनकी भी तबीयत होता है गर्म पानी, गर्म पानी या चाय लाल चाय उनको, हाँ उनको थोड़ा दिलवाइए, नहीं तो अभी वो भी एक संकट आ जाएगा। तीन दिन से रो रहे हैं, दो हॉस्पिटल में है बच्चे, मान ले फ्री होगा फिर। और घर वाले लड़की के घर वाले देखे तो अब लड़के मार पीट दिए, तो कहे क्यों मारे, अरे जो कोई लड़की को छेड़ेगा तो उसकी पूजा करेंगे हम, इसी घर की घटना और बताइए, उसको उल्टे बैठा उन समय बैठा है किसी घर की लड़की, जब लड़की को छेड़छाड़ कोई करेगा वो जो देखेगा तो वही वही तत्काल में तो वही है, अभी कहा क्यों मारा, मारेगा नहीं तो और क्या उपाय बताए। दुर्घटना में जो उनको लाभ दिया जा सकता है हम दे पाएंगे, क्योंकि आप समझिए अगर किसी नौकरी में होते तो हम तुरंत जी 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 मैं सर जी 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 क्योंकि किसान थे जिनकी मृत्यु हुई है जी जी, तो उसी योजना के अंतर्गत हमने लाभ अभी दिला। बाकी आपकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री जी की सर दुर्घटना में मांग है उसमें हम दिलवा देंगे जी, रखी जाएगी जैसे परिवार है जी, वो मांग हम रखेंगे बात की जाएगी उसमें जो आगे करने वाले आप लोग करने वाले हैं मैम, मगर बाली जी इसीलिए जिम्मेदार लोग आए हैं जी जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपकी संवेदना में हम शामिल थे, फिर आप कल आए थे सब लोग देख